और वीडियो एंड करने से पहले जाते जाते एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा या छोटी सी बात जो एक मेरे मन में है वो देना चाहूँगा मैं। मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई मन भी नहीं था और कोई मतलब प्लान नहीं था। हम लोग एक्सीडेंटली घूमते फिरते कुछ दोस्त मेले में पहुँचे और जाके देखा तो यार बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये मेला जब हम लोग छोटे थे 6th 7th 8th ग्रेड में थे काफ़ी बड़ी चीज़ हुआ करती थी। दशहरा, दीपावली, छठ और इस नाहान मेले के साथ ये खत्म होता था जो फेस्टिव सीजन था उस पर्टिकुलर साल का, और हम लोग अगले साल के लिए वेट करते थे। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा मेला लगता था। बहुत जितने एरिया में मेला लगता था अभी तो उसका कुछ 40% भी आई थिंक नहीं है, 30% के आसपास के एरिया में सिमट के रह गया है। प्लस जो लोग हैं, आपको वैसे भी पता है कि लॉकडाउन, कोरोना और ऐसे इन जनरल भी आजकल के बच्चे फोन्स में ज़्यादा घुसे रहते हैं, पहले की तरह क्रिकेट भी इतना ज़्यादा नहीं होता, आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है और ये लॉन्ग टर्म में हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें अभी तक बची हुई है जो हमारे बच्चों को बाहर आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए एक तरह से मोटिवेट कर रही है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए यार। और विरासत के नाम पर भी तो कुछ बचना चाहिए। हमारे यहाँ बस यही एक मेला लगता है इस लेवल का, इतना बड़ा मेला यही एक लगता है और कोई 4-5 मेले नहीं लगते हैं इस लेवल के, वो आप सबको पता है। तो जहाँ पे ज़मीन की प्रॉब्लम है, जो भी है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, आई एम प्रिटी श्योर जो कंसर्न लोग हैं जिनकी जिनके अंडर ये चीज़ें आती हैं उनको बेहतर पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी एज अ कॉमन मैन कि आप लोग थोड़ा सा कीजिए इस चीज़ के लिए। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर आप इस मेले को रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगा। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।